एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 15 इफ वाई इज इक्वल टू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x शो दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 49y। तो हमने प्रूव करना है, पहले हम क्या निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लेट जो y है 500 ई रेज टू पावर 7 600 e raised to power minus 7x तो स्टेटमेंट हमने ले ली। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बटे dx, तो क्या बन गया, यहां पर 500 तो कांस्टेंट है, e raised to power 7x है, तो e raised to power 7x ही इसका डेरिवेटिव होगा, और 7x का दोबारा से निकालेंगे। सिमिलरली 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 7x डीवाई ओवर डी एक्स 500 इंटू 7x का डेरिवेटिव कितना आ गया 7 और ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू माइनस 7 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है, सेकंड निकालेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां फिर वो 500 इंटू 7 ये तो कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर का कितना बन जाएगा ई रेज टू 7x और 7x का दोबारा से फिर डेरिवेटिव वो कितना होगा 7 प्लस 600 इंटू माइनस 7 ई रेज टू पावर माइनस 7 का डेरिवेटिव वही का वही और माइनस 7x का एक बार फिर कितना आ जाएगा माइनस 7। तो क्या बन गया हमारे पास 500 इंटू 7 जा 49 इंटू ई रेज टू पावर 7x ये भी माइनस का है ये भी माइनस का प्लस हो गया, तो 600 इंटू 49 ई रेज टू पावर माइनस 7x। तो यहां से 49 दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 49 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 500 इंटू ई रेज टू पावर 7 प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x। तो आप देख सकते हैं ये क्या है y है, ये क्या है y है, तो हम इसको y लिख दें 49 इंटू वाई, कहां से आया वाई यूजिंग 1, तो ये 1 था वाई, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 शो दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे और ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है e raised to power y x plus 1 is equal to 1, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां टू फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e raised to power y, और दोनों तरफ किया हमने तो 1 का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो e raise to power y इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 1 प्लस 0 प्लस x प्लस 1 e raise to power y का e raise to power y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो साथ में y का दोबारा से फिर dy ओवर dx और 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहां से ऑब्जर्व करें इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 इक्वेशन है e raised to power y x plus 1 e raised to power y, तो वैल्यू इसकी कितनी है 1, तो यहां 1 पुट कर देंगे e raised to power y plus 1 into dy over dx that is equal to 0, तो dy over dx that is equal to इसको इस साइड ले जाएं तो minus e raised to power y, यहां पहुंच गए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, एक बार फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा यहाँ पे, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन वैसे का वैसे
तो ई रेज टू पावर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब ये क्या है, ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर वाई क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां हम डी वाई बटा डी एक्स लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर टू, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बटा डी एक्स, ये भी क्या है डी वाई बटा डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था। हेंस 17 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इफ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स होल स्क्वायर शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वाई 2 का मतलब प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई 1 का मतलब किसके इक्वल प्रूव करना है 2 के। तो कैसे निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का क्या है होल स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx, पहले पावर सॉल्व होगी, पावर आगे आ जाएगी 2 टेंजेंट इनवर्स x पावर 1 और फिर टेंजेंट इनवर्स का दोबारा से डेरिवेटिव, तो dy बटा dx दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा निकल गया। अब निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो डी वाई डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, तो यहां पर कोशेंट रूल लगा के हम निकालेंगे बी स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x और साथ में डेरिवेटिव किसका 1 प्लस x स्क्वेयर का। ऐसे आराम से करते जाए, तो d स्क्वेयर y ओवर डी एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वेयर, 1 प्लस x स्क्वेयर इंटू 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वेयर, तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस, सॉरी यहां पर माइनस होता है, माइनस है माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव प्लस 2x, क्या होता है प्लस 2x ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं ये कट गया और ऊपर क्या बच गया हमारे पास, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टू द 4x टेंजेंट इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो इसको हम क्या कर लें, इक्वेशन नंबर 2 ले लें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, फर्स्ट निकल गया, तो ये हमने प्रूव करना है। तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2x एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पुट करते हैं यहां पे, एक्स स्क्वेयर 1 का होल स्क्वेयर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा 2 माइनस 4x टेंजेंट इनवर्स x ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो प्लस 2x एक्स स्क्वेयर प्लस 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा 2 टेंजेंट इनवर्स x, 2 टेंजेंट इनवर्स x ओवर 1 प्लस x स्क्वेयर। तो होल स्क्वेयर से होल स्क्वेयर ये कट गया, यहां से ये कट गया एक जैसा, तो क्या बच गया 2 माइनस 4x टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 टू द 4x टेंजेंट इनवर्स x, एक जैसे हैं दोनों कट गए, तो किसके बराबर आ गया 2 के। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। मेरे ख्याल में सभी सम आपने देख लिए और समझ लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपका